समाजवादी पार्टी में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा में जारी संग्राम के बीच आज लखनऊ में मुलायम सिंह और शिवपाल यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बहुत संघर्ष के बाद समाजवादी पार्टी बनी है, हमने पार्टी की एकता के लिए समय दिया, पार्टी की एकता में कोई बाधा ना डाले। मुलायम ने कहा कि पार्टी की एकता के लिए हमने हर कदम उठाए, जो हमारे पास था सब दिया। नेताजी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप हमारे साथ हमेशा रहें, आप सबकी चिंता स्वाभाविक है, मुझे मालूम है कि कौन पार्टी को तोड़ने में लगा है। अखिलेश गुट पर निशाना साधते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ना हम अलग पार्टी बना रहे हैं, ना सिंबल बदल रहे हैं, वो दूसरी पार्टी बना रहे हैं। तो एक तरफ जहां अखिलेश पार्टी में मचे बवाल पर ध्यान लगाए हुए हैं, वहीं विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन पर भी उनकी निगाहें हैं। खबर है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ सीटों के फैसले पर विचार विमर्श में लगे हुए हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव राहुल और प्रियंका गांधी से सीधे संपर्क में हैं। सूत्रों के अनुसार शुरुआत में कांग्रेस ने 140 और आरएलडी ने 50 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही बातचीत के मुताबिक दोनों पार्टियां कुछ सीटें कम करने को तैयार हुई हैं। अभी तक इस पर कोई आखिरी फैसला फिलहाल नहीं हो पाया है। तो आज मुलायम सिंह यादव ने एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश की है कि सब ठीक है, आप अपना साथ बनाए रखें। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश खेमे में गठबंधन की सुगबुगाहट भी तेज होती जा रही है। तो यूपी की सियासत में और क्या कुछ होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव।